जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जंगल के बीच कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया है। बीती शाम सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने कायराना हमला किया। मुठभेड़ के बाद आज दूसरे दिन सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले में सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं, जबकि दो पोर्टर की भी मौत हो गई है। एनकाउंटर में तीन जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी जवानों को अस्पताल ले जाया गया। वरिष्ठ सेना के अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। गुरुवार की शाम को तलाशी अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। फिलहाल सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा। मनोज सिन्हा ने कहा कि बलिदानियों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। Z News.